हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज मेरे साथ राकेश सर हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट और एनालिसिस भी हैं। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो यस बैंक के हालात हैं उसकी फ्यूचर क्या है। मैं भी उसका एक स्टॉक होल्डर हूँ, मैं कह सकता हूँ छोटा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी अच्छे पैसे लगा रखे हैं। मुझे बड़ी इस कंपनी से उम्मीद थी, राणा कपूर से मुझे बहुत उम्मीद था, बट सबके अपने टाइम होते हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरी जो च्वाइस थी गलत थी। आज उस पर मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जो पूरा यस बैंक का फ्यूचर क्या है, और मुझे बहुत ही निराश हुआ जब उसको निफ्टी से बाहर किया गया। तो राकेश सर, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, पहले इसको निफ्टी से बाहर क्यों किया, पहला क्वेश्चन, फिर वन बाई वन आगे बढ़ेंगे। देखिए, निफ्टी से बाहर तो इसीलिए किया गया क्योंकि स्टॉक ने परफॉर्मेंस देना खराब कर दिया जी, ठीक है, रिजल्ट्स आने खराब हो गए, ठीक है, तो इसकी वजह से निफ्टी से बाहर हो गया। ये तो बहुत सिंपल है। चलिए, तो यानी कि आपका कहना है कि कंपनी की हालात ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, मैंने तो पैसे लगा रखे हैं अपने, मैं दूसरे की क्या बात करूं, मैं तो खुद ही फंसा पड़ा हूं, और मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे फ्यूचर क्या है, मुझे पहले इसका फ्यूचर बताएं, क्योंकि पैसा तभी सिक्योर होगा अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा। अगर कंपनी का फ्यूचर ही अच्छा नहीं होगा तो फिर तो मामला ही खत्म है। मैं आपसे क्या बात करूंगा कि सर मेरे पैसे का क्या होगा। बिल्कुल, फ्यूचर से पहले हमें पास समझना होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें ये क्राइसिस हुई है जी, यस बैंक की, जो स्टॉक 300 रुपये 400 रुपये तक जो स्टॉक था, आज की डेट में वो 35 रुपये आ गया, तो क्यों आया है जी? इतना 90% वैल्यू इरोड क्यों हुई, वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। ये क्राइसिस शुरू हुई तब जबकि राणा कपूर ने एक्सटेंशन मांगा था 3 साल का RBI से एज ए चेयरमैन, ठीक है, लेकिन RBI ने उसको मना कर दिया जी। RBI ने जब मना कर दिया तो स्टॉक जो है सितंबर में, नहीं, एक मिनट, राकेश सर, आपके कहने का मतलब ये है कि राणा कपूर जब एक्सटेंशन मांगा और उन्हें नहीं मिला और उसके बाद स्टॉक प्राइस गिर गया। बिल्कुल, मतलब आप कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि पहले कुछ चीजें थी जो दिखाई नहीं गई, कहने का मतलब आपका ये कह सकते हैं। यानी कि मैंने अपने बुक्स को विंडो ड्रेसिंग कर रखा। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यह है कि आप समझिए कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और सर्जरी कर रखी है। हो सकता है कि अभी मैं ये पोजीशन में नहीं हूं कहने की जी, क्योंकि ये तो RBI देखेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको होंगी वो देखेंगी। मैं राणा कपूर पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरा ना ही हम उस पोजीशन में कि हम कमेंट कर सके। मेरा कंसर्न ये है कि आप जो कह रहे हैं कि राणा कपूर हटे और मार्केट गिरने लगा, शेयर प्राइस गिरने लगा, इसका एजम्पशन तो मैं यही लूंगा ना कि बुक में ऐसी चीजें थीं जो कि राणा कपूर के रहते हुए पता नहीं चली, चाहे उनको पता हो ना हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हाँ। यानी उसके बाद चीजें बाहर आई। बिल्कुल बाहर आई। अगर हम इसका सितंबर क्वार्टर, सितंबर 2019 क्वार्टर का अगर हम एनालिसिस करें, जब वो निकल फाइनेंशियल जब वो निकल चुके थे, ठीक है, उसका एनालिसिस अगर हम करें जो कि अक्टूबर में रिजल्ट आए थे, और अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट तो अभी आए ही नहीं है। इन्होंने नॉर्मली 45 डेज का होता है क्वार्टर एंड के, और इन्होंने अभी तक मार्च 14 से पहले इन्होंने टाइमलाइन ले रखी है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश करने, मतलब दिसंबर वाला जो आएगा, दिसंबर वाला जो आएगा, ठीक है, मार्च 14 तक की टाइमलाइन ले रखी है। तो अगर हम सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं जी, तो ईयर ऑन ईयर बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 9.6% से डिक्लाइन हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब एक बार अगर मेरे व्यूअर को आप समझाएं तो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम है, यानी जो हमारी इंटरेस्ट, जो हम बैंक का जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट होता है और एक्सपेंस भी इंटरेस्ट ही होता है जी। तो जो इंटरेस्ट कमाया और जो इंटरेस्ट खर्च किया, मतलब डायरेक्ट इनकम, दोनों जो इनकम में से जो एक्सपेंस आपने घटाया उसके बाद जो आया वो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपसे, ये मैं एक लेमन लैंग्वेज की तरह बात कर रहा हूँ, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, मेरे पास भी उसकी रेवेन्यू ग्रोथ है यस बैंक की। मैं 2013 से शुरू करूँ तो 8200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 2014 में 9900 था, 11 में 2011 करोड़ के आसपास था, 16 में 13000 करोड़, 17 में 16000 करोड़, 18 लास्ट टू लास्ट ईयर 20000 करोड़ और 19 में 29000 करोड़। यानी मेरा रेवेन्यू पैटर्न भी बढ़ रहा था। प्रॉफिट वाइज भी मैं देखूं, फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो मेरा 2018 तक मेरा प्रॉफिट था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था, नहीं था। यानी जो भी लफड़े आए मुझे 19 में आए, जो भी लफड़े आए, बिल्कुल मेरी जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट थी वो नुकसान में बदल के 2200 करोड़ के आसपास का नुकसान हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं
क्या मेरे लिए ये ऑब्जर्वेशन लेना सही होगा कि केवल एक साल के परफॉर्मेंस पे कंपनी की हालत खराब है, ये सही प्रिडिक्शन होगा, या मैं ईयर बाय ईयर चीजों को एनालिसिस करूं? आपका क्या उस पे पहले टेक है, फिर मैं लॉस पे आऊंगा। हाँ देखिए, ईयर ऑन ईयर आपकी बात ठीक है कि रेवेन्यू बढ़े, एक्सपेंस भी, और आज की डेट में अगर हम एक साल में देखें तो लॉस हो चुका है जी। लेकिन लॉस हुआ क्यों, उसका रीजन क्या था जी? सबसे पहली बात ILFS, इनका ILFS में बहुत बड़ा एक्सपोजर था, जिसकी वजह से ये लॉस हुआ। बड़ी कंपनी डूबी तो दूसरे छोटे बच्चे को भी साथ लेकर डूब गई, बिल्कुल। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर IFSL के साथ था। बिल्कुल, ILFS ग्रुप के साथ इनका एक्सपोजर था, तो इसकी वजह से इनको NPA डिक्लेयर किए इन्होंने, उसकी वजह से लॉस। यानी कि 2019 और ये लॉस बढ़ता ही जा रहा है। मैं 2019 का एक डेटा भी कोट करूं, 2018 में जो मेरे एक्सपेंसेस थे 6594 करोड़ थे, और 19 में वो मेरे एक्सपेंसेस 11834 करोड़ हो गए। तो वही, यानी कि जो 4-5 हजार करोड़ का मेरा एक्सपेंस जंप किया, जिससे मैं नुकसान में आ गया, यानी वो बड़े एनपीए डिक्लेयर हुए, बड़े पापा जी का कुछ करामात था जो कि हमारे कंपनी में उन्होंने सीन लगा के चले गए। चले गए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम सितंबर क्वार्टर की जो बात कर रहे थे जी, ठीक है, इनका अदर इनकम 35.8% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हमारा ड्यूरिंग द क्वार्टर डिक्लाइन हुआ 162.2% से। ठीक है, ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे डिक्लाइन हो गए तो 33.3% से क्वार्टर में वो 8.1% नेगेटिव में आ गए। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखूं तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो इस अगर हम इस सब चीज़ों को देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि NPAs डिक्लेयर हो रहे हैं, नए नए NPAs निकल के आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के NPAs निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्राइसिस की। तो जो क्राइसिस थी उसके बाद नवंबर 18 में मूडी ने इनको डाउनग्रेड कर दिया था, रेटिंग खराब कर दी, जिसकी वजह से स्टॉक फिर गिरा। हालांकि कंपनी ने कोशिश की और मार्च में रवनीत गिल को एज ए CEO लेके आए, ठीक है, लेकिन मार्च 19 से लेके और अभी हम फरवरी चल रही है, पिछले लगभग एक साल में कंपनी के स्टॉक प्राइस ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया बहुत बुरी तरीके से। यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट को पता है, क्योंकि हम एक टाइम पे कहते हैं भाव भगवान है, मार्केट में ये बोला जाता है। तो भाव भगवान है वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाव में सब छिपा होता है, जो मार्केट में कंपनी का स्टॉक का भाव होता है उसमें सब छिपा होता है, वो उसे पता होता है कि कंपनी में अंदर क्या है। ठीक है, तो जब कंपनी का भाव 290 रुपये से 30-35 रुपये पे आ गया, तो इसका मतलब उसमें सब छिपा हुआ था, उन्हें पता था, मार्केट को पता था कि इस कंपनी में रवनीत गिल के आने के बाद भी कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ। बल्कि आप अगर देखें उसके बाद अप्रैल 19 में मैक्री ने भी इनको डाउनग्रेड कर दिया, और उसके बाद जब डाउनग्रेड हुआ तो फिर अप्रैल में शेयर 30% डाउन हो गया। लेकिन अब मुझे दो क्वेश्चन है आपसे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा। अब देखिए, यस बैंक में दो लोग फंसे हैं, दो कैसे, एक मेरे जैसे इन्वेस्टर जिन्होंने छोटे पैसे जो भी है छोटा पैसा लगाया, बिल्कुल, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं क्यों यस बैंक से बहुत उम्मीद, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, मैं अभी भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, ये मेरी अपनी एक इंटरनल फीलिंग है, चाहे जो भी आप इसको कहें। दूसरा, वैसे लोग जिन्होंने यस बैंक में पैसा रखा, क्योंकि दो लोग फंसेंगे अगर कुछ कंपनी को होता है तो। बिल्कुल, PMC का कांड आप अभी देख ही रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें कि कितनी परेशानी हुई लोगों को, और बड़े बहुत ही वो एक क्राइसिस सिचुएशन था जब इस तरह का काम हो जाए, तो ये चीजें सही नहीं है। अब मुझे दोनों एंगल से समझाएं, एज ए स्टॉक होल्डर, एज ए अकाउंट होल्डर, दोनों में आप एडवाइस करेंगे कि स्टॉक में एडवाइस करेंगे, पहले मुझे बता दें। मैं एज ए स्टॉक होल्डर ही आपको एडवाइस कर सकता हूँ, अकाउंट होल्डर तो आप देख सकते हैं, लेकिन एज ए स्टॉक होल्डर अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, और पहले तो आपको अपना, जब भी ये देखिए कोई भी स्टॉक आप लेते हैं तो पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना होगा कि मैं कितना रिस्क उठा सकता हूँ स्टॉक में। अब अगर आपने कोई स्टॉक, ये स्टॉक यस बैंक का जो कि
280 रुपए का इसका एक साल का हाई है, अगर आपने उस समय 280 रुपए पे लिया हुआ है और आप बी लेके उसको बैठे हुए 30 रुपए पे, मैंने 40 रुपए पे लिया था ऐसे तो मेरे ज्यादा नुकसान नहीं है, तो ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन मैं उन बात कर रहा हूँ उन लोगों की, क्योंकि हर तरह का इन्वेस्टर है और हर तरह का, अगर मैं बात करूँ की 280 पे या 250 पे या 200 रुपए पे या किसी ने 150 रुपए पे भी लिया हुआ है स्टॉक को, ठीक है, तो और आज की डेट में करीब 90% 80% 70% लोगों ने वैल्यू इरोड हो गई है, तो उनको क्या करना चाहिए जी? अगर हम आज की सिचुएशन में बात करें तो कंपनी कोशिश कर रही है इन्वेस्टर लाने की, कि कोई इन्वेस्टर आए, कोई इनको इक्विटी इन्फ्यूज करें, कोई कैपिटल, क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफ़ी एनपीए डिक्लेयर हो गए हैं तो उसकी वजह से इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो कोई कंपनियाँ आएँ। अभी रिसेंटली हिंदूजा ग्रुप, अभी लेटेस्ट बिल्कुल ये है कि हिंदूजा ग्रुप, इससे पहले कनाडियन बेस्ड एक फर्म आई थी, अभी इन्होंने 12 फरवरी को भी एक अपना वो फाइल किया था, उसमें जेसी फ्लावर एंड कंपनी, टिल्डन पार्क कैपिटल, ओक हिल एडवाइजर, इनको भी एज ए इन्वेस्टर, इनसे भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है इन्वेस्ट करने के लिए। और अभी रिसेंटली, मतलब बिल्कुल रिसेंटली ये कहीं से न्यूज है कि हिंदूजा ग्रुप ने भी इसमें स्टेक लेने के लिए आरबीआई के पास बातचीत की है। तो अगर जो इन्वेस्टर ऑलरेडी हैं उनके लिए तो मैसेज यही है कि इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि आपका कैपिटल काफ़ी इरोड, तो अभी जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके कर चुके हैं उनका काफ़ी कैपिटल इरोड हो चुका है, तो उन लोगों के लिए तो मैसेज यही रहेगा कि वेट करें, अगर कोई अच्छा मैनेजमेंट आता है तो शेयर प्राइस में रिकवरी हो सकती है, लेकिन लेकिन आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा सेटबैक है, 90% तक वैल्यू इरोड हो चुकी है, तो उसको लेवल तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल आपको लगेंगे। यानी इन शॉर्ट में बात करूं तो कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी आपने पैसा बर्बाद कर रखा है, हाँ, तो वो तो डूबा ही हुआ है, हाँ, तो उसको छोड़ दें, छोड़, अगर वो पेड़ निकल गया तो ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर पानी डाल देंगे उस पे, काम खत्म, बिल्कुल, तो खैर ठीक है, उसमें तो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, और अब बात करते हैं नए इन्वेस्ट, अगर किसी को नया इन्वेस्ट करना है तो अभी बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी कहीं कोई चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, कौन इन्वेस्टर आएगा, कैसे बैंक परफॉर्म करेगा, आगे के क्वार्टर में भी परफॉर्मेंस कैसी आएगी, अभी दिसंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट आने हैं, मार्च 14 का इन्होंने जो टाइमलाइन दे रखा है उससे पहले पहले इनको पब्लिश करने हैं, तो वो रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, कितना एनपीए डिक्लेयर करते हैं, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी मेरे हिसाब से आपको कम 2 क्वार्टर परफॉर्मेंस देखनी होगी, तभी आप सोच सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। यानी कहने का मतलब कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए समझदारी नहीं है, बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए है जो एक तरह का रिस्क एपेटाइज ले सकते हैं, कि उनको लगता है कि कुछ हो सकता है और रिस्क लेने को तैयार हो, तभी उनके लिए सही है, अदरवाइज आप इस स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप अपने पैसे को नुकसान कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कर रखा है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था बीच में जब ये मार्केट ऊपर गया था स्टॉक, इनकी प्राइस तो निकाल मेरे पास अच्छा था, क्योंकि 60-70 रुपए तक स्टॉक दोबारा से वापस हुआ था, मेरे पास बहुत प्रॉफिट था, लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि इंडिया में बैंक ना आज की डेट में इतने आसान नहीं है डूबने, क्योंकि बैंक डूबने से एक तो इकोनॉमी पे मेरा इम्पैक्ट है डायरेक्ट, प्लस ग्लोबल लेवल पे आपकी इमेज को इम्पैक्ट है, प्लस ये फाइनेंशियल सेक्टर ग्रूम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंक्लूजन की बात हो रही है, बैंक अकाउंट ओपन करने की बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे दिन यही बात कर रहे हैं कि हम अब अकाउंट, तो अगर हमारा बैंक ही मरेगा तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ना मरे, क्योंकि अगर आप पीछे के कांड देखें, मैं कांड की बात कर रहा हूँ, सीरीज ऑफ कंपनी डूबी है पिछले 1 साल 1.5 साल में, बिल्कुल हमारी इकोनॉमी ऐसे ही डाउन है, ठीक नहीं है। एनबीएफसी में आप देखिए आईएलएफएस था, उसका डीएचएफएल आ गया, आप एनबीएफसी तो पूरी मतलब इकोनॉमी खत्म है, एनबीएफसी गवर्नमेंट उसमें बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं जो स्टॉक होल्डर अब सोच रहा हूँ, मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं कहते हैं ना कि सेंटिमेंट बात कर, मार्केट बहुत सेंटिमेंट से भी चलता है, तो मेरा ये सेंटिमेंट मानना है कि ये रिकवर हो जाना चाहिए, नो डाउट मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैं कुछ मेरे पास चॉइस भी नहीं है आज की डेट में, लेकिन एक मुझे बिलीव है इस गवर्नमेंट पे कि ये बैंक को इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। बीच में अगर आपको याद हो, बीच में एसबीआई के चेयरमैन है, उनका भी बीच में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि यस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको डूबना नहीं चाहिए, सोचिए गवर्नमेंट
कुछ ना कुछ करेगी और तो, इसको बचाने के लिए। हाँ, तो मैं तो आप एक होप मैं आपको देके जा रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट कौन सा आता है, क्योंकि जब तक नया मैनेजमेंट नहीं आएगा तब तो बहुत मुश्किल, तब तक स्टॉक को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। ऐसे भी राणा कपूर का मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, उन्होंने बहुत कंपनियां बनाया, बहुत कंपनियां बेची हैं। ठीक है, ठीक है, हो सकती है गलती हो जाए, जब आप बिजनेस करते हैं तो गलतियां होती हैं, बट फिर भी उस आदमी ने इस देश में बहुत ही बैंक को रेगुलराइज और रेवोल्यूशन की तरह काम किया। कह सकते हैं आप 15 साल में बैंक को कहां से कहां पहुंचा दिया था उन्होंने, केवल 15 साल पुराना बैंक है, बहुत ज्यादा पुराना बैंक। तो खैर आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यस बैंक के आप होल्डर हैं तो जरूर कॉमेंट करके अपना लॉस बताइएगा, प्रॉफिट की तो बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने पीछे प्रॉफिट भी कमाया तो वो भी जरूर बताइएगा। साथ के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे बहुत सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का कन्फ्यूजन है जो हमने कवर नहीं किया है, हम उस पॉइंट पे भी आपको रेकमेंड कर सकते हैं। साथ के साथ अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो हमारे पैनल पे राकेश जी ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपको सजेस्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।